कोर्ट ने हमारे साथ बाद में इंसाफ किया, देर से हुआ इंसाफ हुआ उसके खिलाफ यहाँ पे अपने मफाद की खातिर। और मुझे तो ये डर है कि जिस तरह पार्लियामेंट को एज ए रबर स्टैंप इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे तो ये डर है कि कल को कहेंगे नवाज शरीफ की खातिर फलानी कानून साजी कर दो, जरदारी की खातिर फलानी कानून साजी कर दो। यानी कि जो 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, डेटेड लॉक वोट जो लेकर आए होते हैं, वो जरदारी को खुश करने के लिए, नवाज शरीफ को खुश करने के लिए, या बिलावल को खुश करने के लिए, शहबाज शरीफ को खुश करने के लिए, या टिकटॉक वजीर आला को खुश करने के लिए, उनकी मर्जी की कानून साजी की जाए, आवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं। तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मखसूस नशस्तें हमारा हक है। बाकी देखिए, इस पूरे पोलिटिकल प्रोसेस में पीएमएलएन और पीडीएम पीपल्स पार्टी एक्सपोज हुई है कि वो कितने गैर जमहूरी हैं, उनका जहन कितना डिक्टेटोरियल है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ और डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती है और हम ये लड़ते रहेंगे।